अलिफ लैला अलिफ लैला। हर शब नई कहानी दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। भरोसा करता हूं तुझ पर और ले तुझे आजाद करता हूं। जरूर तू अब मुझे मारेगा। मुझे मालूम था कि तू मेरे साथ धोखा करेगा। जो सुना था कि नेकी करो दरिया में डाल, वो गलत था। अब तो ये मुझे मारकर दरिया में डाल देगा, फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अरे मेरे खुदा, मुझे इस मुसीबत से बचा, इस बेरहम के दिल में रहम पैदा कर। डर नहीं मेरे मोहसिन माहिगीर, ये हंसी तो आजादी की खुशी की थी। याद रखे आदमजाद, हजरत सुलेमान अलैह सलाम की कसम खाने के बाद दुनिया के तमाम जिन, परी और जानवर सब गुलाम हो जाते हैं। अगर कोई वादा खिलाफी करता है उस पर कहर नाजिल होता है और जलकर राख हो जाता है। और फिर जो इंसान किसी की जान बचाए, अगर उस इंसान के पांव भी धोकर पिए जाएं तो कम है। इसलिए मैं तुझे कैसे मार सकता हूं मेरे मोहसिन? क्या तुम्हारी बीवी बच्चों की तकदीर में यही लिखा है कि वो भूखे उठे और दिन भर रोटी का इंतजार करे? अब तू मुझे नहीं मारेगा, तब भी मैं मरे हुए से कम नहीं। तूने मेरी रोटी रोजगार का सब वक्त बर्बाद कर दिया। सुबह से 3 बार जाल में, बदकिस्मती ही आई, मछली नहीं आई। चौथी बार तू मुसीबत बनकर आया। तू सुराही में से निकला, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकला। इस आंख मिचौली में तू आजाद हो गया, मगर मैं तो वैसे का वैसा ही भूखा और कंगाल रहा। अब मेरे भूखे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? मेरे साथ यकीनन वो भी मर जाएंगे। ना रो मेरे भूखे गरीब दोस्त, तेरे आंसुओं से ज्यादा कीमती तेरी बीवी और बच्चों के आंसू हैं। तेरे 4 बार जाल डालने के गलत असूर की वजह से वो भयानक भूख के मुंह का निवाला बने हैं। उसूल तो जिंदगी के लिए हैं, जिंदगी उसूलों पर कुर्बान करने के लिए नहीं है। सच कहा तूने ऐ मेरे जिन दोस्त,
सच कहा। मैं खामखा उसूल बनाकर खुदा और किस्मत से जिद कर रहा था। अगर तू वादा करे तेरे बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए चार बार तो क्या, अगर हजार बार भी जाल डालना पड़े तो तू मेहनत मजदूरी और कोशिश से मुंह नहीं मोड़ेगा तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा मेरे दोस्त माहीगीर। मेरी गलती का एहसास दिलाने वाले मेरे जिम दोस्त, मैं वादा करता हूँ अपने गलत उसूल की वजह से अपने बीवी बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। तो फिर ले मेरे मोहसिन दोस्त माहीगीर, तो ले। ऐ मेरे मोहसिन दोस्त माहीगीर, ये अशर्फियां मैं तुझे नहीं तेरे बीवी बच्चों के लिए दे रहा हूँ। इसमें से आधी से ज्यादा अशर्फियां गरीबों और लाचारों में और बीमारों में बांट देना। और अब मेरा फर्ज पूरा हो गया, मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, खुदा हाफिज। या अल्लाह, या रज़ाक, या रहीम ओ करीम, तेरा शुक्र है, एहसान है तेरा, मुझे माफ करना। मैं अब कभी अपने बीवी बच्चों को दुखी नहीं करूंगा। जरूर जरूर मेरी भूखी बीवी की दुआओं ने और मेरे मासूम बच्चों के आंसुओं की फरियाद ने मेरी जान बचाई है। शुक्र है तेरा खुदा, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा। ये माहिगीर और जिन्न का किस्सा भी हमें बहुत पसंद आया मल्लिका शहजाद। शुक्रिया ऐ शहंशाह आली दिमाग। हमारे दिलो दिमाग और वहमो गुमा में भी ये बात नहीं थी मल्लिका शहजाद कि अचानक फानूस गिरेगा और तुम हमें बचाओगी। फिर तुमने गरीब माहिगीर और जालिम जिन का किस्सा सुनाकर हमें कायल कर दिया कि मारने वाले को मरने वाला भी बचाता है। और हुजूर, इस किस्से के इस बात पर भी गौर फरमाएं कि जालिम जिन माहिगीर से हकीम दोबान और बादशाह का किस्सा सुनकर सुधर गया। जी आलमपना, इसे दोस्ती और सोहबत का असर कहते हैं। माहीगीर की नेकी, दोस्ती और सोहबत में एक सरकश और जालिम जिन भी सुधर कर अच्छा जिन बन गया। दुरुस्त कहा तुमने मल्लिका शहजाद, दुरुस्त कहा। और हमें उस जिन की यह बात भी पसंद आई कि उसने माहीगीर को उसके गलत उसूल का एहसास दिलाया और फिर उसे अशर्फियों की दौलत से मालामाल कर दिया। जिनकी ये दौलत तो कुछ भी नहीं है जहां पना। इस जहां में
ऐसा भी एक ताकतवर, अजीम व जसीम, बेमिसाल, बाकमाल जिन है जिसे कयामत जिन कहते हैं। कयामत जिन, ये नाम तो हमने बचपन में हुजूर दादी जान की जुबानी सुना था। बस इतना याद है कि यह कयामत जिन एक चिराग को घिसने से जाहिर होता था, बस इसके अलावा और हमें कुछ याद नहीं। सही फरमाया हुजूर आली दिमाग शहंशाह ने, वो चिराग अलादीन नामी एक नौजवान के पास था। अलादीन? लेकिन अलादीन नामी नौजवान के पास ये चिराग आया कैसे? हुजूर, यही तो दुनिया की सबसे दिलचस्प, अजीबोगरीब, हैरतअंगेज, नाकाबिले फरामोश, कभी ना भूलने वाली, बहुत ही खूबसूरत, हसीन, दिल फरेब और बहुत ही खतरनाक, खौफनाक कहानी है। हम अलादीन और जादू चिराग की कहानी सुनने के लिए बेहद बेचैन, बेताब और मुश्ताक हैं। जल्दी से बयां करो ऐ मल्लिका ये जादू बयां, शहजाद जल्दी बयां करो। हुजूर कद्रदान बादशाह जहान, ये कहानी सर जमीने अफ्रीका से शुरू होती है। अफ्रीका की वो जमीन जहां आज तूफानी समुंदर अपनी खौफनाक लहरों से जमीन पर हुकूमत कर रहा है, किसी जमाने में बौचाल आने से पहले वहां जमपट्टा होरा नाम का एक बहुत ही घना, खतरनाक और खौफनाक जंगल था। और उस जंगल से भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक था वहां का सबसे बड़ा जादूगर जिंगालू जुंगला। जादूगर जिंगालू जुंगला से इंसान ही नहीं, उस जंगल के बड़े से बड़े खौफनाक जानवर, खूंखार दरिंदे और जहरीले सांप तक डरकर भागते थे। क्योंकि जादूगर सिंगालू जुंगला के कब्जे में हैबतनाक जिन, खौफनाक हदीस, बदसूरत भूत और खूबसूरत, हसीन व जमील परी भी थी। वो बहुत ही पत्थर दिल और सालम था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। दौलत की हवस ने उसे दीवाना बना दिया था। एक दिन जब उसे मालूम हुआ कि दुनिया में किसी जगह एक ऐसा जिन जो दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है, और वो जिन एक जादुई चिराग को घिसने पर गुलाम बनकर सामने आता है, तो अफ्रीकी जादूगर जिंगालू जुंगला उस जादुई चिराग को पाने के लिए बेचैन हो गया। और उसने अपनी गार के जादुई महल में जिन खौफनाक और खतरनाक रूहों को कैद कर रखा था, उनसे उसने बार बार पूछा कि वो जादुई चिराग कहाँ है। बोल, वो जादुई चिराग कहाँ है? Ha 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 ha
जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, नहीं, मैं नहीं जानता। बता वो बेमिसाल जादुई चिराग कहाँ पर है, जवाब दे, कहाँ है? नहीं, मुझे कहाँ है? मैं नहीं जानता, नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम, नहीं जानता, नहीं। बताओ वो जादुई चिराग का जिन कहाँ मिलेगा? बोल, बताओ, बताओ। नहीं जानती, नहीं जादुई चिराग का जिन कहाँ है? जादू का चिराग कहाँ है? बोल, जादू का चिराग कहाँ है? वो बेमिसाल जादू का चिराग कहाँ है जो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर जिन का चिराग है? कहाँ है? बता, वो बेमिसाल जादू का चिराग कहाँ है? आसमान की खबर रखने वाली सितारा शनास, मेरी कैदी नजूमी परी, परिस्तान के बादशाह अहमद सईद खानी की बेटी जेबा सईदी शाहीन हाजिर हो, आईने जहानुमा में जाहिर हो, जेबा शाहीन परी। आईने जहानुमा में जाहिर हो, देवा शाहीन परी। कालू जंगला, अरे सितारा शनास परी, ये बता वो बेमिसाल जादुई चिराग कहाँ है जो कि
दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर जिन का चिराग है, और वो जिन कहाँ है? बता। वो जिन जिन्नातों का शहंशाह जिन है, और वो जादुई चिराग यहाँ से बहुत दूर है। हजारों मंजिलों के बाद वो जगह आती है। बता कहाँ है वो जगह? बता कहाँ है वो जगह?